हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ, जिसमें हम बनाएंगे नमकीन काजू। काजू बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है और अब हमें इसका एक डो तैयार करना है। अब ये सारी मैदा मुझे इसमें डाल देनी है, बड़े बर्तन में डाल लेंगे जिससे कि हमारा आटा अच्छे से लग जाए। और अब इसमें थोड़ी सी जगह बना के इसमें हमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है। ये थोड़ी सी अजवाइन ले लेंगे, इसको अच्छे से क्रश करके इसमें डाल देनी है हमें। और अब 2 चम्मच बड़े इसमें हमें ऑयल डाल देना है और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक को हमें सारे मैदे में अच्छे से मिक्स कर देनी है, जिससे नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हल्के गुनगुने पानी से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें एक इसका डो तैयार करना है। ये आटा लग के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा और सही करके हमें 15 से 20 मिनट इसको ढक के रख देना है। ये आटा लग के तैयार हो गया है और अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है, फिर इसके हम काजू काटेंगे। 20 मिनट हो गए हैं और ये आटा हमारा सही हो गया है, इसे हमें थोड़ा सा और स्मूथ कर लेना है हाथ में। और अब हमें इसकी छोटी छोटी 4 लोइयां बना लेनी है। ये 4 लोइयां मैंने बना ली है और अब एक एक करके हमें इन्हें बेलना है। हल्का हल्का हमें इन्हें बेलते जाना है। एक लोई मैंने अच्छे से बेल ली, आप देख सकते हैं चारों तरफ से बराबर है। और अब हमें एक बोतल का ढक्कन ले लेना है, उससे हमें काजू काटने हैं। तो बोतल के ढक्कन को आधा रखना है यहाँ पे और इसको प्रेस कर देना है। तो एक हमारा ये निकल गया है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह हमें काजू के शेप में इसको काट लेना है। तो इसी के ऊपर रख के आधा ढक्कन काजू बना लेना है और इसे प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं ये काजू की शेप में आ गया है और ऐसे ही हमें सारे काट लेने हैं। और इन्हें हमें पूरे में ही ऐसे कर करके हमें काट लेना है इसको। एक लोई के काजू मैंने काट लिए हैं और ये दूसरी लोई मैंने बेल ली है। अब इसके भी हमें काजू काटने हैं, ऐसे ही हमें इसके भी काजू काट लेने हैं। ढक्कन बीच आधा रखना है और प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं काजू की शेप आ गई है इसमें। आप देख सकते हैं सारे काजू मैंने काट लिए हैं और इनकी शेप भी बहुत अच्छी आई है। और मैंने जब तक काजू काटे ऑयल गरम रख दिया था और वो अच्छे से गरम हो गया है। तो अब सारे काजू हमें अच्छे से तल लेने हैं। ये ऑयल मैंने गरम रख दिया है और ये अच्छे से गरम हो गया है। अब हमें इसमें काजू डाल देने हैं। थोड़े थोड़े करके सारे काजू हमें इसमें डाल देने हैं। सारे काजू मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब हमें इसको ब्राउन होने तक अच्छे से तलने देना है और इसे हाई फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते रहना। ये हल्के हल्के काजू हमारे ब्राउन होने लग गए हैं, इनको थोड़ा और ब्राउन होने देना है और थोड़ा क्रिस्पी होने देना है, फिर हमें इन्हें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इनका रंग आने लग गया है हल्का हल्का।
काजू हमारे अच्छे से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं ब्राउन हो गए हैं। अब हमें इन्हें निकाल लेना है। सारे काजू मैंने निकाल लिए हैं और अब इस पे स्पेशल फ्लेवर देने के लिए हमें चाट मसाला छिड़कना है। पूरे में चाट मसाला डाल दें अच्छे से, इसको थोड़ा नमकीन बनाने के लिए। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे बने हैं, ये बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं ये। नमकीन काजू बनके तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसे हम महीने दो महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, चाय के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये और बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में भी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।